फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेंटल मेस्ट्रो। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है पल्प पॉलिप। इसके और भी दूसरे नाम है क्रोनिक हाइपरप्लास्टिक पल्पाइटिस, पिंक टूथ, पल्प अपर्चा। तो हो सकता है आप जब एग्जाम देने जाएं तो आपको किसी भी नाम से ही टॉपिक मिल जाएगी, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन पिंक टूथ या फिर पल्प अपर्चा, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या भाई, ये क्या बला आ गई और हमें तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या लिखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं पिंक टूथ ऑफ मेमोरी से, तो ये वो नहीं है, ये पल्प पॉलिप है। पल्प पॉलिप के बारे में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, जितना भी आप जानते हैं, उस चीज को आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो आइए आज हम समझते हैं कि ये पल्प पॉलिप बला है क्या। हमारा जो दांत होता है उसकी सबसे ऊपर लेयर जो होती है उसको हम इनेमल बोलते हैं, उसके बाद जो लेयर होती है उसको डेंटाइन बोलते हैं, और जो सबसे नीचे होता है सॉफ्ट टिश्यू उसको हम पल्प बोलते हैं। और पॉलिप मींस होता है किसी भी चीज की एबनॉर्मल ग्रोथ ओवर द सरफेस। ठीक है, जब भी हमारे पल्प की ओवर ग्रोथ हो जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो उस कंडीशन को हम पल्प पॉलिप बोलते हैं। और वी कैन से इट इज एन एक्सेसिव एक्सेबरेंट प्रोलिफरेशन ऑफ क्रोनिकली इन्फ्लेम्ड डेंटल पल्प टिश्यू। तो ये तो रही हमारी डेफिनेशन। तो बेसिकली हम इसको हिंदी में समझते हैं कि क्या होता है कि किसी भी पल्प पे, दांत पे क्रोनिकली, क्रोनिक मतलब बहुत लंबे टाइम से कोई इन्फेक्शन हो रखा है, कोई ट्रॉमा हो रखा है, जिसकी वजह से पल्प की ग्रोथ हो रही है, उस चीज को हम पल्प पॉलिप बोलते हैं। तो इसके लिए क्या देखने को मिलता है, जब भी हम देखते हैं हम कैसे गैस करते हैं कि ये पल्प पॉलिप है? एक तो बड़ी सी कैविटी होगी, यंग पल्प होगा, मतलब सेंसिटिव नहीं होगा वो। आपने एकदम से प्रोब लगाया, ब्लीड जरूर करेगा, लेकिन हो सकता है पेशेंट को पेन ना हो। और वो जो ट्रॉमा है वो बहुत टाइम से होगा, ऐसा नहीं होगा कि न्यू कैविटी बनी और उसमें हमें पल्प पॉलिप देखने को मिल गया। अब बात आती है कि इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं, मतलब किसकी वजह से होता है ये, इटियोलॉजी क्या है। तो सबसे पहला कॉज है स्लो केरियस एक्सपोजर, मतलब बहुत टाइम से उसमें कैविटी बन रखी है, पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस खाना फंस जाता है, ब्रश साफ कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। या फिर कोई भी पुराना इन्फेक्शन चलता आ रहा है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चलता आ रहा है, या फिर कंटिन्यूस की एबनॉर्मल च्यूइंग है, मैकेनिकल ट्रॉमा हो रहा है वहां पर, उसकी वजह से भी पल्प पॉलिप हो जाता है। क्लिनिकल फीचर्स ये होते हैं कि एक तो ये बच्चों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, प्राइमरी डेंटिशन में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, और उसके बाद जो नंबर आता है वो हमारा परमानेंट फर्स्ट मोलर होता है। तो हम ये कह सकते हैं यंग्स में भी देखने को मिलता है और ये बच्चों में भी देखने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मोस्ट कॉमनली हमें प्राइमरी मोलर्स और फर्स्ट परमानेंट मोलर में देखने को मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या रहेंगे, ये सिम्टम लेस होता है। बस क्या होता है, जब भी आप कुछ खाना खा रहे हैं तो वहां थोड़ा प्रेशर फील होता है, या फिर आपने मिरर में देखा, अरे यहाँ तो ये रेड रेड सा दिख रहा है, कैविटी दिख रही है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यदि ब्रश लग गया तेज तो हो सकता है कि वो ब्लीड कर जाए, या फिर आपने टूथपिक से क्रोध लिया तो हो सकता है वहां पर ब्लीड कर जाए, बाकी अदरवाइज इसके और कोई सिम्टम नहीं होता कि उस दांत में आपको बहुत दर्द हो रहा है या सेंसिटिविटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। दिखने में कैसा होगा, दिखने में ये रेडिश होगा बिकॉज ऑफ द पॉलिपॉइड टिश्यू, जिसने की क्या किया है, हमारा जो पल्प चैम्बर है उसको पूरा कवर कर लिया और वहां से हमें वही रेड फ्लैशी दिख रहा है। बात रही हमारी कि सिम्टम्स क्या होंगे, सिम्टम फ्री होगा, लेकिन अब बात आती है साइंस क्या होंगे। साइंस वो होते हैं जो हमारा डॉक्टर देखता है। तो आपके पास पेशेंट आया कि भाई मुझे जब मैं बाइट करता हूँ तो मुझे ना थोड़ा प्रेशर फील होता है, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, बड़ी सी कैविटी, कुछ लाल लाल सा दिख। तो जब आपने उसको देखा तो आप देखेंगे कि जब हम बाइट करा रहे हैं तो उसमें आपका जो ऊपर का टीथ है उस टिश्यू पर टकरा रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि माउथ क्लोजर में इंटरफेयर कर रहा है, और नॉर्मली ये सेंसिटिव नहीं होता है, लेकिन मोर सेंसिटिव देन जिंजाइवल टिश्यू। जैसे जिंजाइवल टिश्यू में आपने हल्का सा प्रोब लगाया तो उसे ब्लीड करता है, तो उससे ज्यादा जल्दी ये ब्लीड करता है। अब ये ब्लीड क्यों करता है इतना ज्यादा, क्योंकि वहां पर रिच नेटवर्क ऑफ ब्लड सप्लाई होती है, वहां पर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं जिसकी वजह से वो ब्लीड करने लगता है। इनिशियली हो सकता है ये पिन पॉइंट या पिन साइज हो, लेकिन बाद में ये ग्रो करके बड़ा हो जाता है। ठीक है, अभी हमने क्लिनिकली चेक कर लिया, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एक रेडियोग्राफ लेंगे। रेडियोग्राफ लेंगे तो हम साफ देखेगा कि बड़ी सी कैविटी है और आराम से हम पल्प चैम्बर में जा सकते हैं। इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगी, डिफरेंशियल डायग्नोसिस ये होगी प्रोलिफरेटिंग जिंजाइवल टिश्यू, पल्पल टिश्यू की जगह हो सकता है हम इसको जिंजाइवल टिश्यू से थोड़ा सा मिसमैच कर जाएं।
हम जब देख रहे हैं तो उसकी डायग्नोसिस क्या बनाएंगे, फ्लैशी मास इन द पल्प चैम्बर और थर्मल टेस्टिंग जो हमने करी उसमें वो नेगेटिव आया। हम इसको मैनेज कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या देंगे? पेशेंट तो कह रहा है कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मुंह बंद करता हूँ तो मुझे थोड़ा प्रेशर फील होता है, ढंग से बंद नहीं हो पा रहा है, खाना अटकता है बस। तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले जो पॉलीपॉइड टिश्यू है उसको रिमूव करेंगे, लेजर से भी रिमूव कर सकते हैं और नॉर्मली हम अपनी फाइल्स या बर्स से भी रिमूव कर सकते हैं। फिर उसके बाद पेशेंट को बोलेंगे आपका टिश्यू रिमूव हो गया है, क्योंकि ये पल्प इन्फ्लेम्ड टिश्यू है, अब आपको आरसीटी करानी होगी। तो वो पेशेंट की मर्जी है कि वो आरसीटी कराता है कि एक्सट्रैक्शन कराता है, लेकिन जो आइडियल ट्रीटमेंट है पल्प टिश्यू को रिमूव करके फिर हमें आरसीटी करनी चाहिए, देन फॉलोड बाय क्राउन। हो सकता है कि इंस्पेक्शन के ड्यूरेशन में वहां पर आपने प्रोब से यूज किया और एकदम से ब्लीड करने लग जाए, तो उस टाइम पे हम वहां पर प्रेशर लगा देंगे जिसकी वजह से ब्लीडिंग रुक जाती है। बट इसका आइडियल ट्रीटमेंट यही है कि इसको टिश्यू को रिमूव करके देन आरसीटी हमें करनी चाहिए, आरसीटी के बाद क्राउन लगाकर उसको परफेक्ट कर देना चाहिए। आई जस्ट होप कि आपको समझ में आया होगा कि पल्प पॉलिप कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है, बहुत छोटी सी चीज है, बहुत आसानी से मैनेज हो सकती है और आराम से ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई हैं, तो ये सारी चीजें मैंने क्लियर करी हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे मैसेज बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय, टेक केयर।